हाय गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि हम कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण, वैसे उपकरण तो बहुत सारा था, लेकिन हम सिर्फ उन उपकरणों को लिए हैं जो इम्पोर्टेंट था, यानी कि सारे इम्पोर्टेंट उपकरण को ही हम लेकर आए हैं। और आज मेरा ये फिजिक्स समाप्त हो जाता है, लेकिन हम समाप्त के तौर पर नहीं कर रहे, लेकिन ये जो है फिजिक्स जो चल रहा था एक लगातार ढंग से, वो आज समाप्त होने के बाद अब नेक्स्ट क्लास से जो लगातार चलेगा वो चलेगा केमिस्ट्री मेरा। यानी कि उसके बाद जैसे कि न्यूमेरिकल हम बोले थे, वो न्यूमेरिकल ही साथ में हम लेकर आएंगे, लेकिन ये जो लगातार तौर पर फिजिक्स मेरा चल रहा था वो समाप्त होके अब लगातार इसी तरह से चलेगा केमिस्ट्री। तो यानी कि आज हम एक तरह से कह सकते कि फिजिक्स समाप्त हो गया और नेक्स्ट क्लास से जो स्टार्ट होगा वो है केमिस्ट्री। तो चलिए, आज का जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण जो है उसको सबसे पहले हम यानी कि बता लेते हैं। तो आज का जो पहला क्या है, पहला उपकरण है ग्रेविमीटर। पहला क्या है, ग्रेविमीटर, यानी कि इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। यानी कि पानी की सतह पर, यानी कि कोई भी तेल में अगर पानी डाल देते हैं तो तेल क्या होता है, सतह पर ऊपर चला जाता है। उसकी यानी कि मान को, उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए हम ग्रेविमीटर का उपयोग करते हैं। तो ग्रेविमीटर का जो उपयोग होता है क्या होता है कि पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को ज्ञात की जाती है। फिर है गायरोस्कोप। क्या है, गायरोस्कोप। दूसरा नंबर है गायरोस्कोप। तो इस यंत्र से घूमती हुई वस्तु का गति ज्ञात करने में होता है। यदि कोई वस्तु घूम रही है, यानी कि एक घूर्णन यानी कि घूर्णिक तौर पर कह सकते हैं, तो वो यानी कि उसकी गति को जो मापा जाता है तो गायरोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। यानी कि घूमती हुई गति को मापने के लिए हम गायरोस्कोप का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा बात है तीसरा क्या, हाइड्रोमीटर। तीसरा उपकरण जो है मेरा हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में होता है। ये चीज हम देखिए चैप्टर में घुसे थे, यानी कि जब फिजिक्स का सिलसिला चैप्टर चला था उस टाइम हम बताए थे हाइड्रोमीटर का उपयोग, लेकिन फिर से बता दिए कि ये भी यही मतलब क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाइड्रोमीटर मतलब नापने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो ये सब चीज क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इसलिए ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं और फिर से बता रहे हैं। तो इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में क्या जाता है, यानी कि आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तीसरा नंबर क्या था कि हाइड्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में होता है। और साथ ही साथ ये भी बताए थे कि आपेक्षिक घनत्व का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता, यानी कि कोई मात्रक नहीं होता है। बहुत बार पूछा हुआ है कि किसका ऐसा ही मात्रक या मात्रक नहीं होता है, और सब ऑप्शन में रहता है आपेक्षिक घनत्व। तो आराम से मार सकते हैं कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। फिर है हाइड्रोफोन। ये था हाइड्रोमीटर। अब की बार चौथा नंबर है हाइड्रोफोन है। तो यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। यानी कि पानी के अंदर ध्वनि की जो तरंग को गणना की जाती है वो है हाइड्रोफोन के द्वारा। यानी कि चौथा नंबर मेरा हाइड्रोफोन क्या है कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम में आता है। यानी कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए हम हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं। फिर चलते हैं हाइग्रोमीटर। यह हाइड्रोफोन या हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। पांचवा नंबर क्या है, हाइग्रोमीटर। तो इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है, यानी कि नमी को मापी जाती है। वायुमंडल में नमी को मापने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता नमी को मापते हैं। फिर आता है छठा नंबर, छठा है स्क्रू गेज। क्या है, स्क्रू गेज, यानी कि स्क्रू गेज से किस चीज को मापा जाता है। तो स्क्रू गेज से मापने का क्या है, देखिए है इसका उपयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम में आता है। यानी कि छोटे छोटे तारों का व्यास को मापने के लिए हम स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। यानी कि छोटे छोटे तारों का व्यास मापने के लिए हम स्क्रू गेज का उपयोग करते हैं। फिर है सातवां नंबर क्या है, मैनोमीटर। क्या है, मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। यानी कि गैस का दाब पता करने के लिए हम मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। गैस का दाब ज्ञात करने में
इसकी मदद लिया था गैस का दाब का ज्ञात करने के लिए। गैस का जो दाब होता है वो ज्ञात किससे किया जाता है, तो मैनोमीटर से ज्ञात किया जाता है। फिर ऑडियोमीटर, सॉरी ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या है कि पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी को मापने में, यानी कि कौन गाड़ी, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी को मापने के लिए हम किसको कहते हैं, तो ऑडोमीटर का उपयोग करते हैं। यानी कि गाड़ी कितनी चली है, तो सामान्यतः सब बाइक में रहता है तो देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऑडोमीटर। यानी कि ऑडोमीटर से हम पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी को मापा जाता है, यानी कि कितनी दूरी चली है उसको मापने के लिए हम ऑडोमीटर का उपयोग करते हैं। सब कोई जानता है इस चीज को सब कोई जानता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि किस चीज से मापा जाता है, इसको कहते हैं ऑडोमीटर। तो ध्यान में दीजिएगा, ऑडोमीटर से हम किसको मापते हैं, दूरी को मापते हैं, यानी कि गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को। इस पार्ट में फिर से एक बार स्टार्टिंग कर रहे हैं पहला नंबर से। पहला क्या था, ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर क्या था कि पानी के सतह पर जो तेल उपस्थित होता उसको ज्ञात करने के लिए हम ग्रेविमीटर का उपयोग करते हैं, जो पहला नंबर था। दूसरा नंबर है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप जो है, इस यंत्र से घूमती हुई कोई वस्तु का गति ज्ञात करने के लिए हम गायरोस्कोप का उपयोग करते हैं। दूसरा नंबर क्या था, गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का उपयोग क्या था कि घूमती हुई गति, क्या था, घूमती हुई वस्तु की गति को ज्ञात करने के लिए हम गायरोस्कोप का उपयोग करते हैं। तीसरा है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में हम अच्छी तरह से बताएं तो हाइड्रोमीटर क्या था, इस उपकरण के द्वारा ध्रुवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है, और अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। फिर हाइड्रोफोन है। हाइड्रोफोन क्या है, यह पानी के अंदर, क्या है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम में आता है। यानी कि हाइड्रोफोन का जो उपयोग होता है, पानी के अंदर ध्वनि तरंग की जो यानी कि गणना होती है, तरंगों की गणना इनके हाइड्रोफोन के द्वारा ही किया जाता है। फिर पांचवा नंबर हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। क्या हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से हम वायुमंडल का ताप यानी कि ताप करते हैं, आर्द्रता नमी को मापी जाती है। फिर है स्क्रूगेज। स्क्रूगेज क्या है, इसका उपयोग बारीक तारों के व्यास की गणना करने में किया जाता है। यानी कि छोटे छोटे तारों को की व्यास को ज्ञात करने के लिए हम स्क्रूगेज का उपयोग करते हैं। फिर है मैनोमीटर। सातवां नंबर है मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है, गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद दी जाती है। यानी कि गैस का प्रेशर को पता लगाने के लिए हम मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। और अंतिम है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या है, गाड़ी यानी कि पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो ऑडोमीटर का उपयोग करते हैं। ये पार्ट समाप्त होने के बाद यानी कि इस पार्ट में चलते हैं। इस पार्ट का पहला क्या, यानी कि नौ नंबर, इस पार्ट का पहला, लेकिन यानी कि नंबरिंग के अनुसार ये नंबर नंबर है, तो नौ नंबर में चलते हैं। क्या है, पाइरोमीटर है। पाइरोमीटर का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है, तो पाइरोमीटर का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या है, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो पाइरोमीटर का। क्या है, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने में पाइरोमीटर का हम उपयोग करते हैं। फिर चलते हैं दसवां नंबर। दसवां नंबर है साइटोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन हम कल बता चुके हैं, पिछले क्लास में साइक्लोट्रॉन बताया। यहाँ क्या है, साइटोट्रॉन है। साइटोट्रॉन का उपयोग क्या है, ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण है। यानी कि साइटोट्रॉन के ही अनुसार हम, यानी कि इसी की वजह से हम क्या होता है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न कर सकते हैं। क्या है, साइटोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन नहीं समझना, साइटोट्रॉन। यानी कि साइक्लोट्रॉन पिछला क्लास में हुआ, लेकिन आज यहाँ है साइटोट्रॉन। तो इसके वजह से क्या होती है, तो यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण है। क्या है, कृत्रिम मौसम, यानी कि उत्पन्न किया गया मौसम, प्रकृति द्वारा नहीं। क्या है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण क्या है, तो साइटोट्रॉन है। फिर चलते हैं रडार। रडार काफी जाने की सुना हुआ नाम है, तो आइए बात करते हैं रडार की। रडार क्या है कि यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम में आता है। क्या है रडार। रडार क्या है कि यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रडार का उपयोग करते हैं। फिर है 12 नंबर रेन गेज। क्या है, रेन गेज जो है,
यह वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण, यानी कि वर्षा को नापने के लिए हम रेन गेज का उपयोग करते हैं। वर्षा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो रेन गेज का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्षा मापने के लिए रेन गेज का उपयोग होता है। और आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, सिस्मोग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं सिस्मोग्राफ की, तो सिस्मोग्राफ है यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्मोग्राफ। भूकंप का जो पता लगाता है कौन लगाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा ही पता लगाया जाता है, यानी कि यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण, यानी कि सिस्मोग्राफ को, यानी कि सिस्मोग्राफ से भूकंप का पता लगता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, बिस्कोमीटर। 14 नंबर क्या है, बिस्कोमीटर है। बिस्कोमीटर है यह द्रवों की सैन्यता ज्ञात करने के काम में आता है, यानी कि द्रव की सैन्यता ज्ञात करने के लिए हम बिस्कोमीटर का उपयोग करते हैं। द्रव की सैन्यता ज्ञात करने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, तो बिस्कोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर बात करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप है इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है। ये भी बहुत जाना पहचाना टेलीस्कोप, सबको जानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा टेलीस्कोप भी इंपॉर्टेंट है। तो टेलीस्कोप जो है इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, यानी कि जिसको टेलीस्कोप क्या है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। फिर 16 अंतिम, यानी कि आज का क्लास भी अंतिम, फिजिक्स भी अंतिम। तो 16 नंबर की बात करते हैं, जो अंतिम वैज्ञानिक उपकरण है, तो ये क्या है, एक्टिओमीटर। क्या है, एक्टिओमीटर। तो सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। सूर्य की किरण की जो तीव्रता होती है उसको निर्धारण करने के लिए हम एक्टिओमीटर का उपयोग करते हैं। जो अंतिम 16, यानी कि आज 16 उपकरण है, तो अंतिम 16वां नंबर क्या था, एक्टिव उपकरण, उसका जो एक्टिओमीटर। तो यह है सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला क्या है, उपकरण है। तो फिर से बात करते हैं, पहला पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या था, दूर स्थित वस्तुओं का ताप ज्ञात करने में, यानी कि टेम्परेचर को ज्ञात करने में होता है। साइक्लोट्रॉन जो था यह कृत्रिम मौसम को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। फिर है रडार, यह यंत्र जो है अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम में आता है। और फिर है रेन गेज, रेन गेज जो है यह वर्षा को मापता है। फिर है सिस्मोग्राफ, यह भूकंप का पता लगाता है। और है बिस्कोमीटर, यह है द्रवों की सैन्यता ज्ञात करने के काम में किसका उपयोग किया जाता है, तो बिस्कोमीटर की। फिर है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का उपयोग है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। और है एक्टिओमीटर जो है सूर्य की किरणों का ताप यानी कि तीव्रता को निर्धारण करने वाला है। एक्टिओमीटर क्या है, सूर्य की तीव्रता को निर्धारण करने के काम में एक्टिओमीटर का उपयोग हम करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है, फिजिक्स आज मेरा कम्प्लीट हो जा रहा है, उसके बाद हम क्या बोले कि फिजिक्स एक तरह से आज कम्प्लीट हो रहा है, लेकिन मेरा न्यूमेरिकल छूटा हुआ है, तो न्यूमेरिकल को हम साथ ही साथ केमिस्ट्री के साथ साथ थोड़ा सा एक पार्ट वाइज पार्ट लेकर आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल जो चलेगा एक लगातार नहीं चलेगा, वो बीच बीच में चलेगा, हो सकता है कि लगातार भी चल सकता है, बीच में छूट भी सकता है, लेकिन ये फिजिक्स की तरह अब केमिस्ट्री चलेगा। और केमिस्ट्री खत्म होने के बाद बायोलॉजी, और उसके बाद जो मेरा स्टार्टिंग था जीके वाला, तो उसको स्टार्ट करेंगे फिर हम लेकर। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, यानी कि केमिस्ट्री में। तब तक के लिए थैंक यू।